हेलो एवरीवन, आप सभी के कॉमन प्रॉब्लम्स डेली मैसेजेस आते हैं मुझे कि मैम इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं समझ में आता। समझ में आ जाता है लेकिन एग्जाम में लिखने को नहीं आता, प्रेजेंट नहीं कर पाते आंसर और मार्क्स हमेशा ही कम मिलते हैं। तो बच्चे, आपकी यही सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं प्रीति सोनी ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट फ्री में रिवाइज करवाने के लिए आई हूँ। इसके प्रॉपर रिविजन सीरीज होंगे तो आपको बस बने रहना है, ठीक है, मेरे साथ में। रिविजन सीरीज है मतलब मैम आप सिर्फ ऊपर ऊपर से लोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी इन डिटेल, सारी चीजें डिटेल होगा, ठीक है। अब एग्जाम टाइम आ रहा है ना, इसलिए रिविजन बोला जा रहा है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी इन डिटेल, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज डिटेल में समझाया जाएगा, आपको लर्न करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाने की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी बच्चे, ठीक है। तो फटाफट से क्विकली पेन और नोटबुक लेके आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में बच्चे इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी, इजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट दिए हैं। सबसे पहले तो मैम यही बता दो कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना हमें सब्जेक्ट। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, चलो आ जाओ ध्यान से सुनना। पूरे इंडिया की इकोनॉमी को, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पूरे इंडिया की इकोनॉमी के लिए, कोई भी इकोनॉमी समझने के लिए आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैम इकोनॉमी एक बड़ा टर्म है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, यस एकदम करेक्ट। इकोनॉमी इज अ वाइडर टर्म, इकोनॉमी जो है ये एक वाइडर टर्म है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। और डिटेल में आते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे, राइट। इकोनॉमी, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। इंडिया में जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उन सारी एक्टिविटीज को इकोनॉमी बोलेंगे मैम। जैसे अरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन, या तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे, या तो कोई इंसान गुड्स प्रोड्यूस करेगा, या वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बना बनाया हुआ माल, बना बनाए हुए जो फिनिश गुड्स है, जो रेडीमेड गुड्स हो गए, होलसेल से खरीद के रिटेल में बेचना, ठीक है। इससे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। इकोनॉमी क्या होती है बेटा, इट रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। पूरे इंडिया में जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है और जिससे वहां के लोग पैसे कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक होती है प्रोडक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एक्सचेंज। हर एक कंट्री में यही तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इन एवरी कंट्री देयर विल बी ओनली थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। समझ में आ रहा है, ठीक मैम, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो सेंटर प्लान्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर प्लान करता है, ओके ऑल राइट, हल्का सा हिंट मिल गया मैम हमें याद करने का। जो सेंटर प्लान करता है मींस जो गवर्नमेंट प्लान करती है, इस इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, एक्सचेंज एक्टिविटी, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्लान करेगी। गवर्नमेंट के हिसाब से ही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप क्या आ रहा है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी इट इज एन अनप्लान्ड इकोनॉमी, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है, इट इज एन अनप्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं है, मतलब आप कोई गुड्स की डिमांड करो, वो गुड्स हम आपको बना के दे देंगे क्योंकि हमें तो प्रॉफिट होगा ना। तो इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये इकोनॉमी चलती है। आपने गुड्स की डिमांड की, यहां से सप्लाई आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है मैम। मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ पार्ट, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रिजर्व रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सेक्टर, आपको एटम बम्स, वार इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें बनाने का मंजूरी नहीं है, ठीक है। रेलवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर भी गवर्नमेंट के हाथ में है,
समझ में आ रहा है? कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हैं और कुछ सेक्टर मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बच्चे, वन इज सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड वन एंड लास्ट वन इज मिक्स इकोनॉमी। चलो फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर ले। इकोनॉमी क्या होता है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन एरिया, इंडिया के अंदर में जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करके वहां के लोग कुछ अर्न कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी एक वाइडर टर्म है, ठीक। एंड देयर विल बी थ्री टाइप्स, सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी में ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो आ रहा है यार, बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस है, कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज। साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज के कारण जो वैक्सीन सालों लगते थे जिस वैक्सीन को बनाने के लिए, वो वैक्सीन वन ईयर में आपके सामने आके रेडी है या नहीं है? इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज अ रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज है। लेट्स अंडरस्टैंड साइंस। तो चलो पहले एक बार साइंस पढ़ लेते हैं बच्चे। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो नॉलेज देंगे हम लोग, हमने वो चीजें अप्लाई करनी है, खत्म। अब साइंस के दो टाइप्स है, एक है नेचुरल साइंस, एक है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब नेचुरल साइंस, ये पेन ऊपर से अगर मैं गिराती हूं तो वो नीचे ही गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? नेचुरल साइंस क्या होता है? इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल है वो। इट इज टेस्टेड इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में भी टेस्ट हो क्या है। इट हैज इट्स एम्पिरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच मतलब एक्सपेरिमेंट्स होकर आया है, इसलिए उन्हें हम लोग एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, जैसा है वैसा है, समझ में आ रहा है? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। केमिस्ट्री के इक्वेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर, समझ में आ रहा है आपको? तो नेचुरल साइंस क्या है? इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, टेस्टेड इन लैबोरेटरी, इट हैज इट्स एम्पिरिकल अप्रोच, और इसलिए हम इसे एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल्स क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक। दूसरी तरफ सोशल साइंस क्या होता है बच्चे? सोशल साइंस क्या होता है अभी? सोशल साइंस सोसाइटी, ओके, सोसाइटी में ह्यूमंस रहते हैं, राइट? ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करना, एकदम करेक्ट। सोशल साइंस इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करने को हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, और इसे बिहेवियरल साइंस भी बोला जाता है, इसे एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी बोला जाता है, ठीक है, विच इज नॉट फिक्स्ड। ह्यूमन बिहेवियर्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। एंड ऑब्वियसली ये जो लॉज होते हैं सोशल साइंस के, जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं होते हैं, लैबोरेटरी में टेस्टेड भी नहीं होते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच भी नहीं होता है। बच्चे ये एम्पिरिकल मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, आप लोग लिख लो अपने बुक्स में एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। एज ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन लैबोरेटरी, इन्हें हम लोग लैबोरेटरी में स्टडी भी नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स क्या है मैम? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, समझ में आ रहा है आपको? चलो फटाफट से क्विकली रिकैप करते हैं, ये डिस्टिंग्विश का आंसर बनता है। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिस्टिंग्विश क्या है? नेचुरल साइंस, दीज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दीज आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दे आर टेस्टेड इन लैबोरेटरी, दे आर नॉट टेस्टेड इन, कैन नॉट बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी, ऑलराइट। दिस इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस, इट इज नोन एज बिहेवियरल साइंस। उसके बाद में इट कैन बी एम्पिरिकली टेस्टेड, एक्सपेरिमेंट करके इस पर टेस्टिंग की जा सकती है, इट कैन नॉट बी एम्पिरिकली टेस्टेड। लर्न हुआ मेरे साथ में? बढ़ू आगे पक्का? चलो, दस इकोनॉमिक्स इज नोन एज सोशल साइंस, ऑलराइट मैम कैसे? देखो इकोनॉमी में आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में यही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ना, ह्यूमंस यही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे और पैसे कमाएंगे, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या तो वो ये पेन, रेडीमेड पेन यहाँ ला के बेचेंगे अपने शॉप्स में, या तो वो एक्सचेंज करेंगे और वो अर्न करेंगे, समझ में आ रहा है आपको?
तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो उस 10,000 रुपीज को, उस 10,000 रुपीज को मैं कैसे खर्चा करूंगी? उस 10,000 रुपीज से मैं किस तरह से खर्चा करूंगी कि मैं मेरे सारे वॉन्ट्स, अपने वॉन्ट्स, मेरी सारी जो भी इच्छाएं हैं ना, अनलिमिटेड इच्छाएं मेरी, मोबाइल फोन चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हैं, हर किसी की बहुत सारी इच्छाएं हैं, राइट? तो हम हमारी इच्छाएं किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं? ये 10,000 रुपीज हमारी मम्मा किस तरह से, सॉरी गलत पॉइंट हो गया, मम्मा कभी खर्चे नहीं करते हैं, वो सिर्फ बचाने का काम करती है, राइट? ठीक है, आप किस तरह से खर्चा करोगे 10,000 रुपीज? ठीक है, तो डज इकोनॉमिक, इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब मनी के टर्म्स में बोल रहा है वो. ह्यूमन बिहेवियर के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो किस हिसाब से खर्चा करेगा, किस हिसाब से वो अपने वांट सेटिस्फाई करेगा. समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं वो अपनी सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकता ना, तो उसको चॉइसेस लेने पड़ेंगे. गेटिंग? चलो, इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस. ये जो 10,000 था ना बच्चे, यहाँ पे लिमिटेड मींस है. मींस मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस. मींस मतलब रिसोर्सेस. कि इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग्स, किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स एक लिमिटेड रिसोर्सेस से सेटिस्फाई कर सकता है. मुझे पार्टी भी करनी है, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी देना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, आउटिंग करनी है, वेकेशन के लिए जाना है, टूर जाना है, ठीक है, बाद में पढ़ाई भी करनी है. 10,000 रुपए में हम क्या क्या चीजें करें? हॉस्टल में रह रहे, माँ पिताजी ने छोड़ दिया, बट क्या क्या चीजें करें? समझ में आ रही है? तो इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग, किस तरह से ह्यूमन बींग अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से. ऑलराइट, तो अब मुझे बताओ इकोनॉमिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है? खुद ही बोलो. मैम सोशल साइंस है. क्यों? क्योंकि इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला जाता है. और पॉल सैमुएलसन ने भी इन्हें क्वीन ऑफ सोशल साइंस का दर्जा दिया है. पॉल सैमुएलसन ने क्या बोला है? हम किसने? पॉल सैमुएलसन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस का दर्जा दिया है. समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनोमिया. इकोनॉमिक्स इकोनोमिया. समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इको, सिमिलर साउंड हो रहा है, ठीक है. इकोनोमिया मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इकोनोमिया मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किस तरह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, पेट्रोल डीजल, ये सारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड है, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें कि हम हमारी वॉन्ट्स मैक्सिमम अचीव कर पाए, हम किस तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा रख पाए. समझ में आ रहा है? तो इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. किस तरह से इंडिया अपने रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम अपने वॉन्ट्स और मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाए. समझ में आ रहा है? ऑलराइट, देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. दो मेन ब्रांचेस इकोनॉमिक्स के. एक ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे, देखो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को आप एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते. छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में स्टडी करना, स्मॉल पार्ट्स में इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल. ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, ये ध्यान रखना, ठीक है, विच मीन स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, एकदम स्मॉल स्मॉल पार्ट में इंडिया की इकोनॉमिक्स को स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक. और एकदम लार्ज पार्ट में स्टडी करना, पूरे इंडियन इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोस, मैक्रो इकोनॉमिक, विच इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, ये देखो यहाँ पे के, ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस. समझ में आ रहा है? विच मीन्स लार्ज. एक ट्री की स्टडी करना, वो क्या है? माइक्रो. और अगर हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो. ट्री की स्टडी करना और दूसरी तरह पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना, तो ट्री की स्टडी करना ऑब्वियसली एक स्मॉल पार्ट है ट्री,
हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट की स्टडी करना। अरे ये जो है ना, ये डेफिनेशन प्रोफेसर बॉल्डिंग ने दी थी, प्रोफेसर बॉल्डिंग इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है, कि ट्री की स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सिर्फ इंडिविजुअल इनकम, सिर्फ मेरे अकेले की इनकम, एक अकेले इंसान की इनकम की स्टडी करना वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशनल इनकम की स्टडी करना वो हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक तरफ आप पूरे इंडिया की स्टडी कर रहे हो और एक तरफ वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो, तो इंडिया की स्टडी करना हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और पूरे वर्ल्ड की स्टडी करना हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। टेक वन मोर एग्जाम्पल, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना एक तरफ और पूरे इंडिया की स्टडी करना, तो यहां पे सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और पूरे इंडिया की स्टडी करना हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ही होगा, मैक्रो नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? गेटिंग द कंसेप्ट? आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, स्मॉल पार्ट्स में कंपैरिजन देखना कि किस चीज से कंपेयर कर रहा। स्मॉल पार्ट की स्टडी करना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस MIKROS एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज पार्ट, पूरे होल इकोनॉमी, इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करना वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ठीक। चलो जी फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखो पहले तो हमने इकोनॉमी पढ़ा, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, और वहां के लोग क्या काम करके पैसे कमाते हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा उसके बाद में भी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड मिक्स इकोनॉमी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान एंड मिक्स इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद में हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस सोशल साइंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में। ऑल राइट ठीक, तो ध्यान से सुनना, नेचुरल साइंस क्या है फटाफट से क्विक, नेचुरल साइंस दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इट कैन बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी, और उसके बाद में इट कैन बी एम्पिरिकली टेस्टेड, ठीक है। और यहां पे सोशल साइंस में आप क्या बोलोगे? दे आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इट इज नोन एज बिहेवियरल साइंस, इसको एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं तो इसको बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। उसके बाद लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, एम्पिरिकल अप्रोच नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि डज वी कन्विंस, हम अब कन्विंस हो गए कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं रे बाबा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड। एंड इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुएलसन, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ डैश रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना। देर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, स्मॉल स्मॉल पार्ट लार्ज अग्रीगेट्स में स्टडी करना। आई होप द लेक्चर वॉज क्लियर टू यू ऑल, आपको लर्न हो गया होगा मेरे साथ में। बस अब थोड़ा सा टाइम निकालना, 5-10 मिनट्स दो, क्विकली ये आज के आज ही रिवाइज करो, ट्रस्ट मी पूरा इकोनॉमिक्स ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो। चलो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।